Hello, what's up guys, we are Adbox is here, welcome back to my another video. So guys, आज के स्टूडियो में हम फिर से अपने ऑब्जेक्ट ड्राइंग के साथ, और आज के स्टूडियो में हम एक जार को ड्रॉ करने वाले हैं। उसके स्टेप बाय स्टेप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे उस जार को ड्रॉ करते, तो सबके सब बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपको बोलता हूँ इस वीडियो को एंड तक देखो विदाउट स्किप करके, एंड देन अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि आउटलाइन कैसे ड्रॉ करनी है। तो आउटलाइन के लिए मैं आपको एक मेथड बताने वाला हूँ। क्या करो, एक आप एक हॉरिजॉन्टली लाइन बना लो ऊपर, मतलब हमारा जो ऊपर का गोल होता है ना जार के ऊपर का, वो हमको बनाना है। उसने सर्कल बराबर तरीके से स्ट्रेट आने के लिए हमने वो ऊपर लाइन खींची है, हाँ, इसलिए एकदम स्ट्रेट लाइन खींचो और एक वर्टिकल लाइन खींचो कि अपना जार कितना हाइट का होना चाहिए, उतना आप एक वर्टिकली लाइन खींच लो। मतलब आपको एक समझ में आ जाएगी कितना अपने को जार को बनाने का है। एंड देन अभी हम आउटलाइन के लिए स्टार्ट करते, देन पहले हम स्टार्टिंग ऊपर के सर्कल के स्टार्ट करते। ऊपर का जो सर्कल होता है ना जार का ऊपर का, वो मैंने पहले बना लिया है। एंड देन मैंने उसका नीचे का पार्ट अभी, उसके ना जो सर्कल होते हैं ना साइड के, वो अच्छी तरीके से बना लो। एंड देन नीचे का पार्ट जाओ, देन उसका वो साइड का ओवल शेप रहता है ना, वो थोड़ा सा गोल वाला शेप, उसको बनाने को स्टार्ट कीजिए। एंड देन ऐसे ऐसे अपना आउटलाइन को कंप्लीट कीजिए, और ज़्यादा भी फास्ट मत कीजिए क्योंकि आउटलाइन बराबर आनी चाहिए, जितना हमारे हमने मेजरमेंट लिया है उतना ही, ओके। और उसका ना अभी मैंने फुल गोल बना लिया, नीचे अभी हमने वो छोटा सा बना लिया, और अंदर एक ना गोल के अंदर मैंने और एक सर्कल और एक ओवल शेप को ड्रॉ किया है उधर, तो वो अब देख लो। और उसके हैंडल को भी, वो गोल वाला ऊपर हैंडल होते हैं, उसको भी ड्रॉ कर लिया। एंड देन आप देख सकते हो अभी हम ऑकर येल्लो से उसको बीच वाला पार्ट होता है ना इधर वाला, वो ऑकर येल्लो टाइप होता है, उसको हम कलर करने वाले हैं। और मैं आपको एक थीम बता दूँ कि मैं इधर एक ना वाइट कलर का एक, हाँ, वाइट कलर का कलर यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ना मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैं वाइट कलर क्यों यूज़ कर रहा हूँ। इधर ऊपर हमारी जो लाइट आ रही है ना, लाइट वाला पार्ट दिखाने के लिए, क्योंकि लाइट हमारी इस तरफ से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इधर आ रही है, इसलिए हम इस वाले पार्ट को ज़्यादा लाइट करने अपने को, तो इधर में ज़्यादा वाइट का यूज़ करेगा और बाकी एरियाज में भी थोड़ा उस ऊपर वाले साइड में। हमारे लेफ्ट साइड थोड़ी सी लाइट रहनी चाहिए क्योंकि उधर से लाइट आ रही है, इसलिए मैं फर्स्ट वाइट कलर से उधर पेंट कर रहा हूँ उस साइड को, ओके। तो उस साइड को हम वाइट कलर कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, चलो। तो देख सकते हो हमने वाइट कलर तो यूज़ कर लिया है, और अभी हम ऑकर येलो यूज़ करें। और मैं उस ऑकर येलो कैसे यूज़ कर रहा हूँ, जिधर से डार्क पार्ट आ रहे ना उधर से ऑकर येलो यूज़ कर रहा हूँ, वो ऑकर येलो को खींच खींच के वो वाइट में मिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है अच्छी तरीके से लाइट का मिक्स, वो मिक्स भी हो जा रहा है, और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैं ऑकर येलो दे के उसको बराबर से कर रहा हूँ, जैसे हमको दिखाना चाहिए कि हमारा जार होता है ना वैसा। तो उसको ऊपर के जो ऑकर कलर होते हैं सब कुछ कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, चलो। ऑकर येलो आप यूज़ कर लो, ऑकर येलो, और थोड़ा थोड़ा मैंने उसके अंदर ब्राउन भी मिक्स किया, थोड़ा सा ज़्यादा डार्क पार्ट्स आने के लिए ब्लैक मिक्स करो, क्योंकि वो बहुत ब्लैक किश हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, इसलिए ब्लैक कलर उधर यूज़ मत करो। और उधर आप सिर्फ इस ऑकर येलो से किया तो भी चलता है, इतना कुछ नहीं है। और मैं आपको एक और थिंग बताने चाहता हूँ कि आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग्स और सीखना है कि ऐसे ऑब्जेक्ट ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, तो मैंने एक प्लेलिस्ट सेक्शन बनाया है, उधर मैंने थोड़े वीडियोस डाले, जाके उस वीडियोस को भी देख सकते हो, क्योंकि हम आने वाले वीडियोस में ना एलिमेंट्री इंटरमीडिएट्स के थोड़े बहुत सीरीज बनाने वाले, मतलब लेटरिंग, डिज़ाइंस, ज्योमेट्री होती है, वो सब में आपको आने वाले वीडियोस में आपको मिल जाएगा, देन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैं ब्राउन कलर इधर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा आपको डार्क और पार्ट दिखाना है, इसलिए मैं ब्राउन कलर को भी थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छी तरीके से मिक्स होने चाहिए सारे के सारे कलर्स, इसलिए मैं सब कलर को
बराबर तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, और बीच बीच में ना उसको बॉर्डर भी कर ले रहा ब्राउन कलर से। ओके, तो अभी मैंने क्या कर रहा हूँ, उसका नीचे का वाइट पार्ट होता है ना, उसको वाइट कलर से नहीं कर रहा, उसको मैंने ब्लैक में थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा पानी मिक्स करके उधर में ना ब्लैक का वो वाइट का टोन बना रहा हूँ, और बीच बीच में ना थोड़ा उधर साइड को वाइट कलर भी मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि अच्छी तरीके से दिखना चाहिए सब कुछ पार्ट। ओके, लाइट हमारी उस साइड से आ रही थी, मैंने वाइट कलर उधर मिक्स कर, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ब्राउन कलर यूज़ करके उधर थोड़ा बॉर्डर कर ले रहा हूँ अच्छी तरीके से। चलो बॉर्डर कर लेते हैं। तो गाइज़ अभी मैंने क्या किया, मेरे को ना अच्छी तरीके से उस साइड को बॉर्डर करना नहीं आ रहा था ना, क्योंकि मैं उस टेबल के दूसरी साइड गया, और अभी उधर से बॉर्डर कर रहा अच्छी तरीके से। तो एंड देन मैं ना थोड़ा थोड़ा डार्क पार्ट्स के लिए ब्राउन यूज़ कर रहा हूँ, और ये ब्राउन क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो राइट हैंड साइड है ना वो थोड़ी डार्क है, लेफ्ट हैंड साइड से लाइट आ रही है, तो राइट हैंड साइड हमारी थोड़ी डार्क हो गई है, इसलिए मैं इधर ना थोड़ा ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि डार्क शेड भी हमको अच्छी तरीके से दिखना चाहिए, सब लेयर सब जो कलर्स होते हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स भी होना चाहिए, और उसके जो लेयर्स होते हैं वो अच्छी तरीके से दिखना भी चाहिए, इसलिए समझे आप। ओके, अभी हम अच्छी तरीके से उसको मिक्स करके लेते हैं। ब्राउन का यूज़ किया मैंने, और इस ड्राइंग के अंदर ना मैंने सिर्फ आई थिंक चार कलर का यूज़ किया है। हाँ, मैं आपको कलर बता देता हूँ, कलर है मैंने पहले यूज़ किया है येलो ऑकर, वाइट, ब्लैक और ब्राउन, ये मैंने तीन कलर्स को चार कलर्स को यूज़ किया है, और ये पूरी पूरी ड्राइंग मैंने कंप्लीट कर दी है। ओके, तो अभी हम इसको मिक्स कर लिए है ब्राउन कलर का यूज़ करके, आप देख सकते हो कि हमारा जो मिक्सिंग हुआ है ना वो अच्छे तरीके से हुआ है, तो थोड़ा ठीक तरीके से दिख भी रहा है, और उसके ऊपर अभी हम हाइलाइट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हाइलाइट्स के लिए हम वाइट कलर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वाइट शेड्स भी दिखाना होता है, इसलिए हाइलाइट्स का यूज़ कीजिए। एंड देन अभी हम नीचे एक शैडो पार्ट बना रहे, शैडो पार्ट के लिए मैंने यूज़ किया ब्लैक कलर को, ब्लैक कलर को यूज़ किया, और मैंने अभी वाटर का यूज़ करके उस ब्लैक कलर को खींच के उधर शैडो का पार्ट बना लिया। ओके, अपना शैडो हो चुका है, अभी सब कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।